छत्तीसगढ़ जगदलपुर से लगे मीठावाड़ा में 19 अगस्त को राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में हुए सड़क हादसे में बस्तर के 5 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे को लेकर बस्तर में लगातार जन आक्रोश बना हुआ है। हादसे में जान गंवाने वाले युवकों के परिजनों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने जगदलपुर के आमागुड़ राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करते हुए धरना प्रदर्शन किया और पायल ट्रेवल्स के संचालकों को भी गिरफ्तार करने की मांग की। युवकों ने ट्रैवल एजेंसी से मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि देने की भी मांग की है। मैं संतराम सेठिया रामनगर से, मेरा भतीजा सचिन सेठिया। हाँ, आज का चक्का जाम हम लोग इसलिए किए हैं कि 19 तारीख को रात को जो 5 युवा मौत हुआ है बस के द्वारा, और हमने 20 तारीख को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा था परिवहन विभाग को और उन्होंने समय दिया था 48 घंटा के अंदर हम कार्रवाई करेंगे बस मालिक को और आपको सूचित करेंगे। बोलो 48 घंटा का जगह आज 100 घंटा करीब हो गया, अभी तक कोई सूचित नहीं किया गया है। इसलिए हम युवाओं के साथ आज मिलकर हम पुनः दोबारा चक्का जाम किए हैं और बस मालिक को हम यहाँ बुलाना चाहते हैं और उस पीड़ित परिवार को क्या बताना चाहते हैं बस मालिक वो आए बताए। हम यही चाहते हैं, बस मालिक घर के अंदर छुपा हुआ है, इतना बड़ा दुर्घटना होने के बाद हम यहाँ पर शांत बैठे हैं, इसका मतलब है कि बस मालिक यहाँ पर आज़ादी से है और इसके पीछे परिवहन विभाग है, जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो पेपरों में पूरा क्लियर है लेकिन बस में सब चीज़ जीरो है। हम जानते हैं यहाँ पर राज्य परिवहन की बस को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर परिवहन विभाग के द्वारा हो या जिसके भी द्वारा हो या प्राइवेट बसों की भरमार बसें चलाई जा रही है और मनमाने ढंग से चलाई जा रही है। हम चाहते हैं सारे युवा और बस्तर के जो भी लोग हैं, आज के बाद ऐसा दुर्घटना किसी घर में नहीं हो और नहीं होना चाहिए और बस मालिकों को सख्त सख्त निर्देश देना चाहिए और जो भी नियम कानून बना हुआ है उसका पालन करना चाहिए, ना कि मनमाने ढंग से यात्रियों को भर भर के 20 सीट की जगह 40 सीट भरते हैं, ऐसा मनमानियां नहीं होना चाहिए। और हमारी मांग है जब तक बस मालिक नहीं आएगी, पायल बस के मालिक और उस पीड़ित परिवार के लिए जो भी यहाँ पर आश्वासन नहीं दिया जाएगा कुछ करने के लिए, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। और उनके घर में जो अंधकार छाया हुआ है उसको कहीं ना कहीं उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो पाएगी लेकिन उसकी भरपाई कहीं ना कहीं बस मालिक के द्वारा की करवाया जाएगा। पायल बस के मालिक को बुलवाने का हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था एवं बस पायल बस की सारी परमिटों को रद्द करने का भी बात यहां पर किया गया था। बस में गति मापक यंत्र लगाया जाए जिससे कि मतलब बाधक यंत्र लगाया जाए जिससे कि बस 60 से ऊपर ना जा सके, एक नियमित समय तय हो कि रायपुर से जगदलपुर यदि बस जा रही है तो उसका नियमित समय 10 घंटे किया जाए। कई लोग क्या है हड़बड़ी के चक्कर में ये लोग 5 मिनट 10 मिनट का टाइम कवर करने के चक्कर में ये लोग लोगों की जान से खेल रहे हैं मात्र चंद पैसों के मुनाफे के लिए एक दूसरे को। बस जब आप इनको एनएच में देखेंगे कभी जाते जाते ओवरटेक करते तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये मतलब किस तरह का ये घटना घटित हुआ है। अभी TCP24 न्यूज के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।